अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जहांगीर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल ट्रिक्स। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं एक सीरीज़ बोर्ड, जो कि एक अलग तरीके का सीरीज़ बोर्ड होगा। जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप ये सीख पाएंगे इस बोर्ड की वायरिंग किस तरीके से की जाती है। इस बोर्ड में हम क्या करेंगे, हमें एक बल्ब लगा हुआ होगा जिसको हम एज़ अ सीरीज़ टेस्ट लैंप भी इस्तेमाल करेंगे, और इसी बल्ब को हम जैसे कहीं पर काम कर रहे हैं, कहीं हम इलेक्ट्रिक का वर्क कर रहे हैं या फिर हमें कहीं रोशनी की ज़रूरत है, तो यही बल्ब हमारा डायरेक्ट बल्ब भी होगा और यही लीड बोर्ड हमारा एज अ लीड बोर्ड भी काम आएगा और टेस्ट लैम्प के लिए भी काम आएगा। तो चलते हैं इसकी वायरिंग की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ हमने एक होल्डर, एक सिंगल वे स्विच और ये टू पिन सॉकेट लगा रखा है। तो हमने क्या करना है कि ये जो हमारा आप देख सकते हैं होल्डर लगा हुआ है, होल्डर का जो नीचे वाला टर्मिनल है वहाँ पर हमने एक वायर लगानी है। इसी वायर का जो दूसरा सिरा होगा वो हमने स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में लगाना है और यहीं से एक और वायर लेनी है और इसको हमने टाइट कर देना है। और उसके बाद ये वायर इस स्विच से होती हुई सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल में जाके कनेक्ट हो जाएगी। इंतहाई आसान लेकिन इंतहाई इम्पोर्टेंट वायरिंग है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आप ज़रूरी कोई ना कोई अहम चीज़ मिस कर सकते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा, ये नीचे इस तरह वायर लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक और वायर लेनी है और इस सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पर वो वायर कनेक्ट कर देनी है। इस तरीके से, और इस वायर का जो दूसरा एंड होगा, जो दूसरा सिरा होगा, वो आपने जो स्विच लगाया है उसके ऊपर वाले टर्मिनल पे टाइट कर देनी है। ये आप देख सकते हैं इसकी वायरिंग मुकम्मल हो गई है। अब बात आती है इसमें मेन सप्लाई देने की। हम मेन सप्लाई देते हैं और फिर आपको इस बोर्ड को चेक करवाते हैं। हम आपने ये देखना है कि मेन सप्लाई हम कहाँ पे देंगे। तो ये हमारे पास इसकी मेन सप्लाई है, ये हम न्यूट्रल ले लेते हैं और ये फेज है। तो न्यूट्रल हमने सीधा सीधा बोर्ड इसमें लैंप में लगा देना है, यानी कि होल्डर के एक पॉइंट जो हमारे पास खाली होगा उसमें हमने न्यूट्रल लगा देना है। जो फेज होगा वो हमने जो बीच में स्विच लगाया उसके ऊपर वाले टर्मिनल पे यहाँ पे हमने इनकमिंग फेज कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी वायरिंग मुकम्मल हो गई है। मैं इस बोर्ड को बंद कर लेता हूँ और फिर आपको चेक करवाता हूँ ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा, सीरीज बोर्ड को चलाने और चेक करने के लिए आपको ऐसी लीड की ज़रूरत पड़ेगी। ये लीड मैंने बना के रखी हुई है पहले से। अब आप देख सकते हैं मैंने पीछे इसकी सप्लाई ऑन कर दी है और बल्ब भी लगा लिए। अब जब मैं इसमें प्लग इन करता हूँ तो ये हमारे पास सीरीज़ आ गई है। ये आप देख सकते हैं ये सीरीज़ आ गई है हमारे पास। और अब सीरीज़ पे कोई भी चीज़ हम इंतहाई आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे दोनों बल्ब सीरीज़ में ग्लो कर रहे हैं। और हम इससे क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये हमारे में एक अगर मिसाल के तौर पर वायर का पीस है और मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ तो ये मैं चेक कर सकता हूँ ये वायर हमारी सही है या नहीं। और ये छोटी हो या जितनी भी बड़ी वायर हो हम इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेरे पास एक टू पोल का सर्किट ब्रेकर है, अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूँ इसकी कनेक्टिविटी तो भी हम इसको चेक कर सकते हैं। ये मैंने फ़िलहाल इसको ऑफ़ किया है तो ये आप देख सकते हैं ये ब्रेकर हमारा ठीक तरीके से काम कर रहा है। एक तो सीरीज बोर्ड का ये फ़ायदा होता है, दूसरा
इस सीरीज मोटर का क्या फ़ायदा है जो अभी हमने बनाया है कि अगर हम कहीं पे बिजली का काम कर रहे हैं तो हमें सीरीज की अगर ज़रूरत नहीं भी है तो हम इस बोर्ड को लगा के और सिर्फ इस स्विच को ऑन कर देंगे तो हमें उस जगह पे रोशनी भी मिल जाएगी जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम अपने चैनल पर इस तरह का कॉन्टेंट अपलोड करते रहते हैं।